नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वजन बढ़ाने वाली दवाई के बारे में, कि कौन सी दवाई ली जाए जिसके कारण हमें ज़्यादातर भूख लगे और हमारा वजन गेन हो, क्योंकि हमें भूख नहीं लगती है और हमारा वेट भी काफ़ी कम है। तो ऐसी कंडीशन में हम कौन सी दवाई लें जिससे हमारा वेट गेन हो, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं। यहाँ पर जो हमने दवाइयाँ ली हैं ये बहुत ज़्यादा प्रयोग होने वाली दवाई है, ज़्यादातर डॉक्टर इन दवाइयों को प्रेफर करते हैं। देखिए, जो दवाई हमने यहाँ पर ली है वो है प्रेक्टन एंड डेक्सोना। प्रेक्टन और डेक्सोना बहुत ही प्रचलित दवाई है जो कि बहुत ज़्यादा लोग प्रयोग करते हैं। अब बात आती है कि इसको खाने के बाद वजन बढ़ जाता है, लेकिन वह कुछ दिन के बाद वजन घट जाता है। तो ऐसे में कौन सी दवाई कितने दिन तक खाना चाहिए, इन सब के बारे में आगे समझने वाले हैं जिससे आपका वजन कम नहीं होगा। देखिए, जो प्रेक्टन और डेक्सोना होता है, प्रेक्टन के अंदर साइप्रोहेप्टाडिन देखने को मिलता है जो कि एंटी हिस्टामाइन ड्रग है, और यह वेट गेन करने के में काम आता है या भूख बढ़ाने में काम आता है, क्योंकि जब भूख बढ़ेगी हमारी तो हमारा वेट गेन ऑब्वियसली होगा। और जो साथ में एक दवाई दी जाती है, टेबलेट दी जाती है, वो है डेक्सोना। इसके अंदर डेक्सामेथासोन होता है जो एक एस्ट्रॉयड है और उस चीज़ को दुगना कर देता है। जैसे भूख लग रही है तो भूख को ज़्यादा पावर में बढ़ा देगा जिससे आपको भूख लगेगी और आपका पाचन क्रिया सही होगी, जिससे आपकी जो भी आप खा रहे हैं वो आपके पेट में लगेगा, जिससे आपकी बॉडी गेन होगी, आपकी बॉडी में फैट जमा होगा, मसल्स ग्रोथ होगी, ये सब कंडीशन देखने को मिलती है। अब बात आती है कि इसका डोज कैसे लिया जाए या कितने दिन तक हम खाएं जिससे हमारा वेट गेन सही तरीके से हो जाए। देखिए, जो सेप्रोहेप्टाडिन होता है और जो डेक्सोना होता है, सेप्रोहेप्टाडिन लगातार 20 दिन तक खाना चाहिए सुबह शाम। इसका डोज रहता है, दोनों को साथ में खाइए सुबह शाम। 20 दिन के बाद आप 10 दिन के लिए इनको दिन में एक बार खा सकते हैं। दिन में एक बार खाने से ये होता है कि आपका जो अभी एकदम से वेट गेन नहीं है या आपके भूख नहीं लग रही है तो वो भूख बढ़ जाती है दोनों टाइम खाने से। फिर इसके बाद इसको कंटिन्यूसली रखने के लिए, क्योंकि आप एकदम से छोड़ देंगे, देखिए शरीर पर वो जो अभी सब्सटेंस बने थे वो एकदम से कम हो जाएंगे, तो इसको दिन में एक बार कर देंगे तो वो है मेंटेन्स बन जाएगा। फिर आप 10 दिन के बाद इसको बंद कर सकते हैं, और आप अगर खाना चाहते हैं उसको लगातार 2 महीने भी खा सकते हैं। लेकिन आप डॉक्टर से एक बार अपने कंसल्ट जरूर करें, आपकी मेडिकल हिस्ट्री के अनुसार आप इसको ले सकते हैं। तो एक बार ये दवाई लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। तो आई होप जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कोई डाउट हो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।